हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकृति आपका स्वागत करती हूँ हमारे वी डायबिटिक हेल्थ किचन में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा खान पान ही हमारे स्वस्थता को दर्शाता है। हम जैसा खाएंगे हम वैसा दिखेंगे, जैसा कि हमने सुना ही है, स्वस्थ खान पान तो स्वस्थ मन। तो मैं आपको बता दूं, हम आपको अपने किचन में कुछ नया रोज़ाना सिखाते हैं, तो आज भी हम कुछ इसी तरह से आपके मन को, आपके तन को हेल्दी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए और आपको भी हेल्दी दर्शाएगा। तो चलते हैं निधि के पास और देखते हैं आज वो हमें क्या सिखाने वाली हैं। निधि, आज आप हमारे किचन में क्या लेके आई हैं? बट मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जो कि हमारे मतलब जो दर्शक हैं उनको मतलब मजबूर कर दे कि वो एक बार ट्राई करें कि ऐसा क्या है इसमें कि इतना टेस्टी दिख रहा है या इतना इन्फ्लुएंसिंग दिख रहा है। तो आप मुझे कुछ ऐसी रेसिपी बनाना सिखाइए आज। हाँ, झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी सिखाऊंगी ताकि दर्शकों को भी प्रॉब्लम ना हो उसे बनाने में और जल्दी से बना भी ले। हाँ। वरना क्या होता है कि कुकिंग के लिए हम प्रिपरेशन करते ही करते रह जाते हैं और बना कुछ नहीं पाते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, हम सोचते ही रह जाते हैं कि हमें लेके आना है सामान तो बनाना है, इस चीज़ में तो हम सोचते ही रह जाते हैं और बनता नहीं है कुछ भी। तो आप मुझे इजी वाली, अच्छी वाली रेसिपी बना के दिखाइए कुछ। हाँ, तो आज फिर से झटपट सी रेसिपी बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे आज हम? आज हम बनाएंगे सनी साइड स्मूदी। अरे वाह, नाम ही सा कितना एनर्जेटिक सा लग रहा है। हाँ, ये नाम भी इसलिए लिया गया है, जैसे सन होता है जी, अपनी वो ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, इतनी रोशनी देता है जी। तो वैसे ही ये हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से हम लेके आए कि वो हमारी हेल्थ को, हमारी बॉडी को और ऊर्जा दे। अरे वाह, मतलब कि हम इसे कह सकते हैं कि हमारी ऊर्जावान जूस है। हाँ। या स्मूदी है, हम इसे ऐसा कह सकते हैं। मतलब सब तो हमें फटाफट जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर आप इसमें ऐसा क्या कर रहे हो जो ये इतना एनर्जेटिक हो रहा है। तो ये हम किन चीज़ों से बनाएंगे? इसमें जैसे कि नाम ही इसका सन है, सन का कलर ऑरेंज होता है जी, तो इसमें मैं ज़्यादातर ऑरेंज फ्रूट ही लूँगी। अच्छा, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स तो वो बीटा कैरोटीन रिच हो गए एक अपने आप में। हाँ, सो तो है, तो अपने आप में ही उसका कलर भी बहुत अट्रैक्टिव होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे पहले मैंने लिया है इसके लिए ऑरेंज। अच्छा। ऑरेंज के बीज निकाल लिए। हाँ। और जो उसके बहुत मोटे छिलके होते हैं वो भी अलग कर लिए हैं जी। ठीक है, दूसरा हम पपीता लेंगे। अच्छा, ऑरेंज कलर का ही है। हाँ। तीसरा हम गाजर लेंगे। अरे वाह, जो रेडिश कलर और ऑरेंजिस कलर के दोनों कॉम्बिनेशन में आता है मार्केट में और आजकल बहुत अच्छा सीजन है। हाँ, तो वो हम लेंगे। ये तो है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई, मैंने हाफ हाफ बाउल तीनों लिए। अच्छा, मैं एक जने के हिसाब से बना रही हूँ तो मैं उतना ही लूँगी। हाँ। अगर हम ज़्यादा के लिए बनाएंगे तो उसका अमाउंट बढ़ा देंगे। कर्ड, तो स्मूदी के लिए तो कर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। हाँ, तभी उसकी थिकनेस बहुत अच्छी होगी और पीने में भी बहुत अच्छा लगे, अच्छा टेस्ट है और इसे हेल्दी भी बना देता है साथ ही साथ। हाँ, ये तो सही कहा आपने। और एज यूजुअल जैसे हम मसाले इसमें यूज करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए जी, चाट मसाला, जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार जी, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा चिया सीड्स भी डालूंगी। अच्छा, चिया सीड्स सोक करके रख लिया है मैंने। अच्छा, वो पहले से आपने सोक करके रख लिया है और वो अच्छा देगा, जैसे कि नींबू पानी वगैरह में चिया सीड बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में भी जी, और थोड़ा सा इसकी क्वालिटी भी बढ़ा देगा जी। एक तो वो फाइबर रिच है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है जी, तो बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर रखता है। हाँ। चलिए, फिर इंतज़ार किस बात का है, हम शुरू करते हैं झटाझट और फिर मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है कि उसे देखना है वो देखने में कैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, तो आप हमें सिखाइए और फटाफट हमें टेस्ट कराइए। ठीक है, बिल्कुल, चलिए अब हम बनाते चलते हैं किचन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सनी साइड स्मूदी बनाना। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें ऑरेंज, दूसरा अब हम लेंगे पपाया जिसको मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखा हुआ है और उसके पील निकाल लिए, इसे भी डाल देंगे। अब लेंगे कैरेट जिसको मैंने काट लिया है पहले से ही, अमाउंट सेम ही रखेंगे, हाफ अ बाउल जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। अब हम इसमें डालेंगे मसाले टेस्ट बढ़ाने के लिए, नमक स्वादानुसार, चाट मसाला आधी चम्मच और जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। आप अपने अकॉर्डिंग से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब मेन इंग्रेडिएंट जो हमारा इस स्मूदी को थिक बनाएगा, दही, जो कि एक अपने आप में प्रोबायोटिक है। तो चलिए इन सबको ऐड कर देते हैं और मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। चलिए ये ग्राइंड हो चुका है, देखते हैं ये पिसा है या नहीं पिसा है, एक बार चेक कर लेते हैं।
पिस चुका है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी ठीक लग रही हो तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा कर देती हूँ, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो चलिए कर लिया है मिक्स, डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसे दोबारा से पीस लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्राइंड हो चुका है, चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा पिस चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करने के लिए रेडी करते हैं। एक ग्लास ले लेते हैं सुंदर सा, जिसमें कि ये सर्व होगा। अपनी स्मूदी को डाल देते हैं और इसे गार्निश करेंगे भीगे हुए सोक्ड चिया सीड से, जो कि टेस्ट भी बढ़ाएगा और क्वालिटी भी बढ़ाएगा। तो डाल देते हैं। तो हमारी सनी साइड स्मूदी बन करके तैयार है। निधि, हमारी स्मूदी तैयार है? हाँ, बनकर तैयार है। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ फिर। स्मूदी तो सच में बहुत टेस्टी है, और जैसा कि आपने बताया था, जैसा आपने कलर के लिए कहा था, मैं तो सच में मान गई। इसका कलर तो बिल्कुल ही सन की तरह है और टेस्ट वाइज अच्छा है। ये देखिए, मेरे मुंह में तो अभी तक टेस्ट है। बहुत, सच में बहुत टेस्टी है। तो मैम, आप मुझे कुछ बताएंगी इसके बारे में? हाँ, बहुत अच्छा है ये, फाइबर रिच है और झटपट से बनने वाला है। हाँ, अच्छा, इसे कौन कौन ले सकते हैं, मतलब किनके किनके लिए बेनिफिशियल है ये? ये बच्चे चाहे बड़े, चाहे कोई भी जिन्हें भूख लगती हो, फाइबर रिच है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, डायबिटिक वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर तो डला ही नहीं है। शुगर तो डला ही नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि जो नेचुरल शुगर, जो हमारे फ्रूट शुगर्स होते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होते हैं। आप शुगर ले, उससे बेटर है कि आप फ्रूट्स में जो फ्रक्टोज नामक शुगर होता है या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आप इसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, क्यों निधि? हाँ बिल्कुल। और कोई बात जो मैं भूल रही हूँ इसके बारे में? एंटीऑक्सीडेंट रिच है। हाँ बिल्कुल, एंटीऑक्सीडेंट रिच तो है ही है ये। जो लोग अपना स्किन ग्लो करवाना चाहते हैं या जो ब्राइडल्स हैं हाँ पीना चाहती हैं, तो उसको रेगुलर पी सकती हैं और अपनी अपनी मैरिज के लिए प्रिपेयर हो सकती हैं, जी स्किन ग्लो बिल्कुल, कर सकती हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि हमारा वी डायबिटिक हेल्थ किचन जो है, आपके सेहत का बहुत ही ख्याल रखता है, क्योंकि आपका सेहत हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके लिए रोज़ाना इसीलिए कुछ नए हेल्दी रेसिपीज़ लेके आते हैं, ताकि आप उसे ट्राई कीजिए अपने किचन में, वो भी उन इंग्रेडिएंट से जो आपके किचन में आसानी से मिल जाए। क्योंकि हमें क्या मतलब बनता है कि हम अलग अलग रेसिपीज़ नए नए ट्राई करें, वो भी उन इंग्रेडिएंट से जो हमें बाहर जाके या फिर कहीं दूर से स्पेशली ऑर्डर करके मंगाना पड़े। क्या बुरा है इसमें अगर हम किचन से ही आराम से बना के खा पी लें, है कि नहीं? और साथ ही साथ हमारा हेल्थ भी मेंटेन रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, हमारे किचन तो आपको कुछ हेल्दी चीज़ें देता ही है, लेकिन हम आपको जो भी रेसिपीज़ या डिशेस बताते हैं, वो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इतनी हेल्दी रेसिपी है। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, मैंने पहले भी बताया, ये जो हमारी स्मूदी है, सनशाइन, क्या नाम बताया आपने? सनी साइड हमारी जो स्मूदी है, ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट रिच है, विटामिंस एंड मिनरल रिच तो है ही है, फाइबर भी अच्छा खासा अमाउंट में है, और तो और इसमें फाइटोकेमिकल न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे हैं, जो आपकी बॉडी को बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा, और आपके लिए हेल्दी तो है ही है। और सबसे बड़ी बात, आपके ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ेगा जब आप इसे पियेंगे तो। ठीक है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और हमें इसका रिव्यू दीजिए। और हाँ, मैं चलते चलते आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन दबाना आप भूल ही नहीं सकते हैं, और भूलिएगा भी मत। चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार।